नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम 2020 में देने जा रहे हैं, वो अपनी राशि के अनुसार कैसे एग्जाम की तैयारी करें ताकि उन्हें पूर्ण रूप से सफलता मिले, उन्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं उपाय और तरीका बताऊंगा आपके राशि के अनुसार, उसको ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, अगर आप लोग ये उपाय कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, जो मैं तरीका बताऊंगा इस पर आप गौर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और दोस्तों, कमेंट्स में माँ सरस्वती का नाम और अपनी राशि लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, राशि और लग्न के अनुसार हर विद्यार्थी में अलग अलग मेधा होती है। अब तुला राशि वाले जातक ध्यान से सुनिएगा, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इस राशि वालों के लिए जो बोर्ड की परीक्षा आ रही है उसमें जो विषय अभी तक नहीं समझ में आ रहे थे या जो चीज़ें अभी तक नहीं याद हो रही थी, वह अब इतनी जल्दी याद हो जाएगी। परीक्षा में आप बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे, यानी अब ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। बस आप मेहनत करिए और याद करें। याद करते समय ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। वैसे यह चीज़ सभी बच्चों को याद रखनी चाहिए। ऐसा करना सभी बालकों के लिए उत्तम है, क्योंकि परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न हैं, उत्तर ही आपको देना है। इसलिए उत्तर की ओर मुँह करके उत्तर याद करें और अच्छे से लिख कर आइए। अब आपको उपाय बता देता हूँ। तुला राशि वालों को परीक्षा के लिए जाते समय किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रणाम करके जाना चाहिए। महादेव की कृपा से आप मेधावी बनेंगे। जी हाँ। अब वृश्चिक राशि वाले जातक ध्यान से सुनिएगा, इस राशि के छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा में ग्रहों का पूरा सहयोग मिलेगा। कंबाइंड स्टडी करना बहुत लाभकारी होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोशिश करें कि बहुत देर रात तक पढ़ाई ना करें, जल्दी सो जाएं और जल्दी उठकर कंठस्थ करने वाली चीज़ें याद कर लें। वृश्चिक राशि के बच्चों की मेहनत रंग लाएगी। पिता की आज्ञा का पालन करना और पिता से आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत फायदेमंद रहेगा। अब आपको उपाय बता देता हूँ क्या करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ। बच्चों देखिए, यदि संभव हो तो परीक्षा केंद्र तक यदि पिता आपको ड्रॉप करने जाएं तो बहुत ही शुभ रहेगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब धनु राशि वाले जातक ध्यान से सुनिएगा, धनु राशि के विद्यार्थियों को परीक्षा पहाड़ की तरह दिखाई देगी। मन में अज्ञात भय रहेगा, जिसके कारण पढ़ते समय इतनी अधिक चिंता रहेगी कि क्या पढ़ रहे हैं या समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिना टेंशन लिए पढ़ाई करनी चाहिए और कला क्षेत्र के विषय में अच्छे अंक आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान बाजार का भोजन या कोई भी फास्ट फूड से संबंधित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु आपके पेट में इन्फेक्शन कराने की फिराक में है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब आपको उपाय बता देता हूँ आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएं। परीक्षा देने जब निकलें तो एक छोटी सी कटोरी में 2 चम्मच शहद लेकर उसका भाव माता सरस्वती को लगाएं। उसके पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके वह शहद चाट लें। ऐसा करने से निसंदेह बहुत लाभ होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। मकर राशि वाले जातक ध्यान से सुनिएगा, इस राशि के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस बात की गलतफहमी में बिल्कुल न रहें कि जो चीज़ें उन्हें 15 दिन पहले याद कर ली थी वह अब याद है। जब माता पिता या कहते हैं कि तैयारी कर लो और पढ़ाई कर लो, तो अक्सर मकर वाले या कहते हैं कि मेरा सब तैयार है, आप चिंता मत करें, तो ध्यान रहे वह धोखा खा जाएंगे। जो चीज़ें पहले आप पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर सिलेबस आप खत्म कर चुके हैं, फिर भी उसे दोबारा याद कर लेना चाहिए। समय हो तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही लाभ होगा। अंतरिक्ष में ग्रह उसे विस्मृत करा सकते हैं, आप भूल सकते हैं। इसलिए करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये दोहा तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या हैं? ध्यान रखना है कि एग्जाम के दौरान दूध जरूर पीना है और जब एग्जाम देने जाएं तो दही मिश्री या दही शक्कर या दही पेड़ा माँ के हाथ से खाकर जाएं। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है।
जो याद किया होता है वह पूरा याद रहता है और प्रश्न भी पढ़े हुए ही आते हैं। कुंभ राशि के जातक ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की तैयारी करते समय यह ध्यान रखना होगा कि पहले याद की हुई चीजें ज्यादा अच्छे से याद हैं कि नहीं। जो कल ही पढ़ा हुआ था वह आज दिमाग से साफ हो चुका है, इसलिए पहले पढ़े हुए प्रश्नों को दोबारा दोहरा लेना चाहिए। मुझे ग्रहों की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुराने पढ़े हुए प्रश्न ही आपको प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अपनी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छी रखें, थोड़ा संभाल कर रहें, क्योंकि राहु आपके हाथों में प्रभाव डाल रहा है। आप सही लिखें लेकिन लिखावट ठीक ना होने से एग्जामिनर को समझ में ना आए और आपको नुकसान हो जाएगा। जी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपको बता देते हैं उपाय। परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पहले लाल चुन्नी किसी देवी मंदिर में चढ़ानी चाहिए और माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मुझे बुद्धि दो, मुझे विद्या दो, ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। जी हाँ ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वाले जातक ध्यान से सुनिएगा। इस राशि के विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान आलस्य बहुत आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बहुत एक्टिव रहना है। ग्रहों की स्थिति थोड़े घुमावदार प्रश्नों में फंसा सकती है, इसलिए अपने प्रश्न पत्र को एक दो बार घर से पढ़ लेना चाहिए। राहु कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्नों में बहुत एक्टिव रहता है और आपको ध्यान रखना है कि धैर्य के साथ समझना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। वैसे चिंता की बात नहीं है कि यदि मेहनत कर लेंगे तो परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे। जी हाँ आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको उपाय बता देता हूँ। प्रत्येक मंगलवार को घर का बना हलवा हनुमान जी को भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से विद्या व सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोस्तों जो मैं उपाय बताया हूँ ये ज़रूर अपनाइएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों कमेंट्स करके माँ सरस्वती का नाम और अपनी राशि कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।